हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राउंड वाली थ्रेडिंग बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनकी जो थ्रेडिंग है वो मैं राउंड में ही बनाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला है कि इनको राउंड वाली थ्रेडिंग बनवानी है, इसलिए मैं इनकी थ्रेडिंग राउंड में ही बनाऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से राउंड वाली थ्रेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इनकी थ्रेडिंग को ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला है कि इनको ज़्यादा पतली थ्रेडिंग नहीं चाहिए। मैंने थ्रेडिंग के 3 वीडियो और डाले हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियो में पॉइंट वाली थ्रेडिंग बनाई है और 1 वीडियो में मैंने राउंड वाली थ्रेडिंग बनाई है। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग बनवाई है। थ्रेडिंग बनवाने से पहले ये मेरे से बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैंने पहली बार थ्रेडिंग बनवा रही हूँ। मैंने इनसे बोला कि मैं आराम से थ्रेडिंग बना दूँगी, इसलिए मैं इनकी जो थ्रेडिंग है वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे बना रही हूँ। मैंने इनकी थ्रेडिंग जल्दी नहीं बनाई है। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखें और थ्रेडिंग बनाना सीखें। मेरे और भी कई सारे वीडियोस डले हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनकी थ्रेडिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हमारी दोनों थ्रेडिंग बन चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बार मैं अच्छी तरीके से दिखा दूंगी आप लोगों को। इनकी जो थ्रेडिंग थी वो जॉइंट में थ्रेडिंग थी, यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा गैप दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही गैप रखा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इनको गैप थोड़ा कम ही चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, इसलिए मैंने इनकी थ्रेडिंग में थोड़ा सा ही गैप लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी जो मैंने राउंड में जो थ्रेडिंग का शेप लिया है वो बहुत ही अच्छा शेप आया है। और यहाँ पे इनके फोरहेड पे बाल ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इनके फोरहेड के बाल निकाल दूंगी। क्योंकि किसी किसी के फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से मैं निकाल देती हूँ। बाद अगर फोरहेड के बाल नहीं निकालते हैं तो वो थ्रेडिंग और फोरहेड बहुत अलग अलग लगता है, इसलिए हमेशा थ्रेडिंग के बाद फोरहेड के बाल निकालने चाहिए। जैसे किसी को नहीं निकलवाने हैं तो उसके नहीं निकालें। से कई लोग आते हैं जो फोरहेड के बाल नहीं निकलवाते हैं। इनकी थ्रेडिंग बन चुकी है, अभी मैं इनकी थ्रेडिंग की हल्की सी मसाज कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।